तो शुरुआत करते हिस्ट्री का चैप्टर फोर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और हमारे कहानी का शुरुआत होता है इस फोटो से बट एक मिनट ये सब्य चमरी वाली दीदी यहाँ पे पोस्ट क्यों दे रही है कोई सेंस है इस बात का सुन बेकू इंडस्ट्रियलाइजेशन ने दुनिया को क्या दिया या नहीं दिया दैट इज द डिवर्टेबल टॉपिक बट इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले दुनिया के लगे थे एल एंड पीपल आर इन दल ठीक है But के बाद दुनिया दुनिया हो गया सेट हो गया I mean, I mean, गया तो और और दीदी दीदी गज़ब ने को दिया। ये ये जो फोटो में ये वाली दीदी है ना ये और कुछ और नहीं है एंजल ऑफ प्रोग्रेस और ये जो फोटो है ना इसे छापा है एक म्यूजिक पब्लिशर ईटी पॉल ने इस फोटो का नाम है डाउन ऑफ द सेंचुरी जिसका मतलब है नए युग का शुरुआत एंड तुम देख ही रहे हो दुनिया कितना आगे बढ़ चुका है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद तो यही बात है बाकी इस फोटो में तीन चीज़ें ध्यान रखने वाली है जो एग्ज़ाम में आ सकता है देख लेना पहला कि दीदी के हाथ में कहा है हाथ पे है झंडा जो बता रहा है कि एक नए जमाने का शुरुआत होने जा रहा है जो कि और कुछ नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है नीचे में एक व्हील है जो कि बता रहा है समय को तो मैं तो पता है ना समय का पहिया तो घूमते ही रहता है बस ये भी घूम रहा है बाकी पीछे में कोई साइन ऑफ प्रोग्रेस है यानी कि जब इतना प्रोग्रेस दे ही रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन तो किस से आ रहा है ये प्रोग्रेस ये आ रहा है रेलवे से कैमरा से हमारा मशीन प्रिंटिंग प्रेस यही सब कुछ तो है बटुआ समझ गए ना हाँ समझ गए अंकल बहुत अच्छा थैंक यू थैंक यू समझाने के लिए ये जो अगला पिक्चर ये क्या बता है थोड़ा इसके बारे में बता देते तो मतलब हाँ, मतलब अच्छा ही हो जाता नहीं औकात में रह है बेटा वीडियो <laughs> बनाएगा तू मेहनत करूँगा मैं पैसे ले जाएगा तू साले आजकल के लोग थोड़ा मदद क्या कर है एकदम हाथ फेरना शुरू कर देते हैं ये डंडा देख रहे ना बेटा पीछे से घुसाएंगे और मुंह से निकालेंगे और फिर धोएंगे भी नहीं अच्छा <laughs> मैं तो मैं तो मजाक कर रहा था ना चाचा जी हाँ कुछ नहीं ये। भाई एडिटर कट कर दे भाई तुझे और इससे अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिला था तो ये दूसरा इमेज बता रहा है दो मैजिशंस के बारे में दो जादूगरों के बारे में पहला जादूगर को कौन नहीं जानता अलादीन जिसके पास जादुई जिन वाला चिराग है जिससे वो कुछ भी बना सकता है तो ये महल देख रहे हो तुम उसने जादू से बनाया है यानी कि अपने मैजिक से बनाया है और दूसरा इमेज में है एक मैकेनिक मॉडर्न मैकेनिक जिसने टेक्नोलॉजी के मदद से कई सारी चीज़ें बनाया लाइक ब्रिज लाइक बिल्डिंग्स लाइक एवरीथिंग दैट यू कैन सी इन द मॉडर्न वर्ल्ड तो सिंपली मैं बताऊँ तो ये पिक्चर डिफ्रेंशियट कर रहा है ईस्ट और वेस्ट को वेस्ट यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप कंट्रीज मॉडर्नाइज कंट्रीज और ईस्ट यानी कि जो ये पार्ट है ना इसे कहते हैं ईस्ट जो क्या है जादू के ऊपर अंधविश्वास के ऊपर अभी भी टिका हुआ है ये बताना चाह रहा है ये इमेज एक मिनट एक मिनट इसका मतलब ये इमेज इनडायरेक्टली हमें भेजे थी तेरा साले ये अंग्रेज लोग हमें ये जताना चाह रहे हैं कि हम ईस्ट वाले लोग अंधविश्वासी जादू टोना वाले और ये साले सब कुछ कर रहे हैं मशीन के दम पे गजब बेचती है यार मुद्दे पे आते हैं। ये दो इमेज तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये दो इमेज ग्लोरीफाई कर रहा है यानी कि इम्पोर्टेंस को बता रहा है मशीन और टेक्नोलॉजी का और ये कैसे बता रहा है ये चीज मेरे आगे तुम्हें इमेज में बताया हुआ है अगर एग्जाम पे आ जाता तो तुम लिख सकते हो और यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है देख लेना हम बरते सीधा इस चैप्टर का पहले टॉपिक पे जो कि है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले यूरोप कैसा था देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले भी यूरोप के अंदर में प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज स्केल पे होता था और इंटरनेशनली भी बिकता था सामान यूरोप का बट वो सामान फैक्ट्रीज में नहीं बनता था वो बनता था गाँव में कौन बनाता था पीजेंट लोग बनाते थे और बनवाते कौन थे शहर के मर्चेंट यानी कि व्यापारी गांव में जाके पीजेंट और जो भी वहां के फार्मर्स थे उनसे सामान बनवा के दुनिया भर में बेचा करते थे अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे तुम्हारे लिए पहला कि मर्चेंट लोग ना शहर में सामान को नहीं बना के गांव में क्यों कंट्री साइड में क्यों बनाते थे और दूसरा क्वेश्चन ये एंड क्या अना की गाँव के लोग शहर के लोगों के लिए काम करने लगे तो जानते हैं पहले की वाई मर्चेंट मूव टू कंट्री साइड गाँव में क्यूँ जाते थे मर्चेंट दीदी मर्चेंट लोग अपने बंदी से मिलने जाते थे गाँव पे बोर्ड के बाद मैं भी तो जाऊंगा गाँव अपने बंदी से मिलने कैसे कर रहा है अभी देखो 17 और 18 सेंचुरी एक ऐसा समय था जब दुनिया भर में ना दो चीज बहुत ही बढ़ रहा था वर्ल्ड ट्रेड और कॉलोनाइजेशन अब इन दोनों चीजों के बढ़ने के कारण सामान का डिमांड भी बहुत ज्यादा था अब यूरोप के जो मर्चेंट थे ना उन्हें ज्यादा प्रोडक्शन करना था दुनिया भर के लिए बट प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था क्यों देखो जो शहर था ना शहर में अर्बन क्राफ्ट और ट्रेड गिल्ड्स बहुत ही पावरफुल था अब ये क्या है ये कह लो एक एसोसिएशन या ग्रुप है जो कंट्रोल करता था पूरी तरीके से कोई भी जो सामान के ऊपर कितना प्राइस होना चाहिए कितना कंपटीशन होना चाहिए और स्पेशली ये जो एसोसिएशन या ग्रुप है ना ये रोकता था कोई नए मर्चेंट को बिजनेस करने से शहर में ठीक है इसके अलावा देखो शहर में और एक प्रॉब्लम था शहर में जो रूलर्स होता था ना वो क्या करता था मोनोपली राइट दे रखा हुआ था लोगों को कि देखो ये सामान तुम ही बनाओगे सिर्फ और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बना सकता अब बताओ तुम शहर में एक चीज़ का प्रोडक्शन करने जाओगे जहाँ में राजा परमिट दिया हुआ है किसी को कि भाई साहब कोई कपड़ा है वो वही बनाएगा उसके अलावा अगर किसी ने बनाया तो उसका <clears throat> मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होगा तो इन सारी चीज़ों के कारण शहर में भाई साहब प्रोडक्शन करना पॉसिबल ही नहीं था तो अल्टीमेटली जो मर्चेंट नए नए मर्चेंट थे वो गाँव चले गए जहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जहाँ कोई कंपटीशन देने वाला टक्कर देने वाला नहीं है तो आसानी से वही करेंगे बेबार प्रोडक्शन और फिर दुनिया भर में बेचेंगे क्योंकि देखो डिमांड तो था सवाल ये उठता है कि प्रोडक्शन कहाँ करें शहर में नहीं हो पा रहा तो गाँव में करेंगे सही बात है अब बढ़ते दूसरे सवाल की और कि वाई कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस बींग वर्क फॉर मर्चेंट यानी कि जो गांव के पीजेंस एंड आर्टिजन्स थे ना वो लोग मर्चेंट के लिए क्यों काम करते थे अभी देखो पहला चीज़ तो था कि घर बैठे बैठे अगर तुम्हें काम मिल जाए और क्या चाहिए भाई इन्हें शहर नहीं जाना पड़ेगा कोई भी काम करने के लिए घर में बैठेंगे काम भी कर लेंगे और थोड़ा बहुत अपना खेती भी संभाल लेंगे और दूसरा चीज़ अब देखो शहर के मर्चेंट जब गांव में आके अपना प्रोडक्शन करवाते थे गांव के लोगों से इस टाइम को कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा बहुत बट इतना समझ लो कि ये जो प्रोसेस है ना जिसमें शहर से मर्चेंट आके गांव में गांव के लोगों से प्रोडक्शन करवाते थे इससे उन्हें मिलता था एक पैसा मतलब देखो खेती से उनका इनकम उतना ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाता था बट क्योंकि मर्चेंट लोग उन्हें काम दे रहे थे कि भाई साहब हमारे लिए प्रोडक्शन करो तो उनका इनकम जो है वो भी बढ़ रहा था सप्लीमेंट हो रहा था ठीक है और तीसरा चीज़ देखो घर में काम है घर के लोगों से करवाएंगे ना भाई बेटा मेरा बैठ के खा रहा है बहन मेरी बैठ के खा रही है सब काम करेगी भाई साहब हाँ अब एक सवाल जो थोड़े पहले मैंने तुम्हें बताया कि ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है देखो ये एक सिस्टम है मैंने बताया जहाँ कॉमर्शियल एक्सचेंज होता है यानी कि सामान का लेना देना होता है कैसे लेना देना होता है मर्चेंट आता है पैसा देता है गांव के लोगों को यानी कि जो पीजेंट्स एंड आर्टिशेंट्स को कि सामान बनाओ इसके बदले में वो सामान देते हैं तो एक्सचेंज हुआ ना पैसे का एक्सचेंज सामान से दैट्स कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम सिंपल है भाई इस सिस्टम को कंट्रोल करता था मर्चेंट लोग और गांव के किसी फैमिली को दे दिया काम उसके घर में जितने फैमिली मेंबर्स होगा वो मिलके प्रोडक्शन करेगा फिर मर्चेंट को दे देगा दैट्स हाउ थिंग्स वर्क तो यही है प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम या फिर तुम कह लो या फिर तुम कह लो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता था गाँव में बनता था सामान सिंपली अब देखोगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा आगे जहाँ अब सामान गाँव में नहीं बनेगा घरों में नहीं बनेगा अब सामान बनेगा फैक्ट्री में शहरों में ठीक है तो हमारा अगला टॉपिक भी वही है कि द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज यानी कि अब फैक्ट्रीज आना शुरू हो गया इससे पहले फैक्ट्रीज नहीं था बट अब प्रॉपरली इंडस्ट्रियलाइजेशन आना शुरू होगा ठीक है अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआत कहाँ से हुआ था इंग्लैंड तो पहला अर्लीस्ट इंडस्ट्री कहाँ बनेगा ऑबियस सब आते इंग्लैंड तो 1730 का जो समय था इस समय कई सारे अर्ली इंडस्ट्रीज बनता है इंग्लैंड के अंदर में और और ये जो रह है ना जो नया शुरुआत होने वाला है इसका सिंबल क्या था इसका सिंबल था कॉटन ठीक है मोस्टली जो आगे तुम इंडस्ट्रीज बनते हुए देखोगे ना वो और कुछ नहीं कॉटन इंडस्ट्री होगा अभी ये जो एटीन सेंचुरी का समय था इस बीच कई सारे इनोवेशन होता है कई सारे इन्वेंशन होता है और ज़्यादातर ये इन्वेंशन रिलेटेड थे कॉटन को लेके कॉटन इंडस्ट्री बन रहा था उस समय बहुत ज़्यादा तो वहां में कैसा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ला सके उनके ऊपर ये इन्वेंशन था अब इससे तीन फ़ायदा हो रहा था देखो पहला आउटपुट पर वर्कर बढ़ रहा था पहले अगर कोई चीज़ दस यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था अब बीस हो रहा था क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ था यानी कि सिंपल सा बात ये है अब वर्कर ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा था सेकेंड चीज़ और तीसरा चीज़ देखो क्या था कि देखो टेक्नोलॉजी क्या करता है चीज़ें आसान करता है चीज़ें बेटर करता है right? राइट तो आसान तो कर दिया था ज़्यादा प्रोडक्शन करके अब जरूरत था कि क्वालिटी को इम्प्रूव करें तो देखो कॉटन से क्या बनता है धागा बनता है यानी कि यान या थ्रेड कह लो तो इसका जो क्वालिटी है ना ये ज्यादा और मजबूत हो ये हो पाया दिस इनोवेशन के कारण सिंपल सा लॉजिक है ये अच्छा अच्छा यहाँ रुको मुझे धागे से कुछ याद आया मैंने कहीं सुना या पढ़ा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो रो टूटे तो ना जुड़े घाट बन जाए आई गेस थोड़ा बहुत गलत होता होगा बट मिला के इसका मतलब यह था कि अगर तुमने जो प्रेम का धागा होता है ना उसे अगर एक बार तोड़ दिया ना भाई तो जुड़ेगा नहीं तो इससे मैं तुम्हें मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई भाई सुनो मेरे बात अपने एक्स से दूर रहो स्टे अवे फ्रॉम योर एक्स मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था एक बार जो टूट गया वो फिर नहीं जुड़ना चाहिए ठीक है ठीक है समरिया तो क्या कहता है कि कॉटन प्रोडक्शन का बात हो रहा है कॉटन इंडस्ट्री का बात हो रहा है तो पहला कॉटन इंडस्ट्री किसने बनाया था तो वो पहला इंसान जिसने पहला कॉटन मिल बनाया था रिचर्ड आर्टराइट ये वो महान हस्ती है जिसने दुनिया का पहला कॉटन मिल बनाया था इंग्लैंड के अंदर में याद रख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट एम सी क्यू पॉइंट से मैं कला इधर लिख लू कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए <laughs> अब सवाल ये उठता है इसका फायदा क्या मिला अब दुनिया को या फिर इंग्लैंड को ठीक है देखो पहला चीज तो यह था कि अब जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस है ना ये एक ही छत के नीचे होगा ठीक है एक ही फैक्ट्री के नीचे होगा अब गांव जाने की जरूरत नहीं है सेकंड चीज अब जब एक ही छत के नीचे होगा तो तुम इसे चेक कर पाओगे इसका क्वालिटी कैसा है वर्कर कैसे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे ये चेक कर पाओगे ये चीज़ें ना पहले पॉसिबल नहीं था जब तुम गांव में कंट्री साइड में जाकर प्रोडक्शन करते थे बट क्योंकि अब तुम फैक्ट्री में शहर में बैठ के प्रोडक्शन करोगे अपने कॉटन मिल के अंदर पे, तो तुम क्वालिटी और लेबर्स को चेक कर पाओगे और एक ही छत के नीचे में हर चीज़ें हो पाएगा ये है बेनिफिट कॉटन मिल का इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करके रख लेना कहीं यू में काम ना आ जाए मैंने अभी तुम्हें बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है यानी कि अब जगह जगह पे फैक्ट्रीज बनेगा बट किस स्पीड से बनेगा क्या ये कछुए की तरह बहुत धीरे धीरे दौड़ेगा या फिर एक खरगोश की तरह बहुत ही स्पीड तो स्पॉयलर अलर्ट ये दौड़ेगा एक कछुए की तरह धीरे 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 ओवर द ईयर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखेगा देखो कैसे देखो कहा यह जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ना तीन फेजेस में बटा हुआ है फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज जो इंग्लैंड के अंदर में हुआ सेकंड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज है ये अमेरिका में हुआ और कहा यह जाता है या फिर माना यह जाता है कि जो थर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज होगा ना वो एशिया के अंदर में या तो चाइना या तो इंडिया के अंदर में होगा तो पहला जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज था ना इस फेज में इंग्लैंड के अंदर में स्पेशली और यूरोप के अंदर में किन इंडस्ट्रीज ने डोमिनेट किया सिंपली मैं बोलूँ तो दो इंडस्ट्रीज थे पहला कॉटन इंडस्ट्री दूसरा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन्होंने फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था इंग्लैंड के अंदर और यूरोप के अंदर उसे पूरी तरीके से डोमिनेट किया कॉटन के बारे में तुम्हें पता है कि क्यों डोमिनेट किया क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुआ था इनोवेशन हुआ था बट सवाल उठता आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने इतना ज़्यादा ग्रोथ क्यों दिखाया देखो उस समय यूरोप के जितने कॉलोनीज थे और खुद यूरोप के अंदर भी रेलवे का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा था अब रेलवे में बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है आयरन एंड स्टील तो इसके वजह से क्योंकि रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी बहुत जोरों जोर शोरों से बढ़ रहा था बट देखो ये स्पीड मैंने बताया कि कछुए की तरह था धीरे धीरे इसका मतलब ये था कि जो ये नए इंडस्ट्रीज बन रहा था ना चाहे कॉटन हो चाहे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो इन्होंने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो था जो गाँव में होता था उन इंडस्ट्रीज़ को टोटली रिप्लेस नहीं कर दिया था बस एक डोमिनेशन दिखा तो रहा था बट वो डोमिनेशन काफ़ी नहीं था क्योंकि क्योंकि ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज थे ना वो भी बहले बैठे नहीं हुए थे उन्होंने भी छोटा मोटा नॉन मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट इनोवेशन अपने जो काम करने का तरीका होता उधर लाया जिससे कि वो भी सस्टेन कर रहे थे लाइक लाइक जो फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री है या फिर बिल्डिंग बनाने का जो तरीका है एंड बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे मोटे जो चीज़ है वहाँ में छोटा मोटा चेंजेस मैकेनिकल चेंजेस नहीं था कोई मशीन नहीं बनाया जा रहा था बट कुछ एक छोटा मोटा चेंजेस के साथ वो भी सरवाइव कर रहे थे और अगर तुम मुझसे पूछोगे ना सबसे बड़ा कारण क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्पीड था पेस था वो बहुत ही स्पीड नहीं था रैपिड नहीं था तो देखो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ महंगा होता है ना तो वो चीज़ चाहे कितना भी अच्छा हो कोई नहीं लेता राइट अब मुझे ही देख लो यार तुम्हें पता है आईफोन कितना अच्छा है बट आईफोन ख़रीदने का औकात नहीं है मेरा तुम्हें पता है बहुत एक्सपेंसिव है अगर आज आईफोन ख़रीदने का औकात होता तो पक्का सिंगल नहीं मर रहा होता मैं एक दो बंदी तो पटा ही लेता नहीं वो आधे खाने वाले सेब से पटी जाती है लौंडिया आई <laughs> गेस पट जाती है ना अबे चूतिया है क्या? हाँ पटी जाती होगी टॉपिक से भटक रहे आई गेस uh, yeah. तो मैं ये कह रहा था कि देखो टेक्नोलॉजी जो नया नया आ रहा था वो बहुत एक्सपेंसिव था तो एक्सपेंसिव होने के कारण जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस था ना वो भी बहुत धीरे धीरे था ठीक है यही तक था बात तो अभी हमारा अगला टॉपिक हैंड वर्सेस स्टीम पावर यानी कि अब शुरू होता है इंसानों के साथ मशीन का लड़ाई यह है इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर तो तुम्हें क्या लगता है जीतेगा जीतेगा कौन आई तुम में से ज्यादातर लग रहा होगा कि लड़ाई मशीन बट 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 रुक जाओ मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड का वो दौर जिस समय में इंग्लैंड में रूल करता था क्वीन विक्टोरिया यानी कि तुम कह लो कि ये विक्टोरियन है, रहा है या फिर तुम्हारे किताब में मैंसन होगा विक्टोरियन ब्रिटेन वो समय जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड के अंदर में रूल कर रहा था उस टाइम पीरियड के बीच ना जहाँ अमेरिका में लेबर शॉर्टेज था लोग कम थे तो वहाँ मशीन ज्यादा चाहिए होता था तो वहां तो लड़ाई जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो मशीन जीत रहा था बट ब्रिटेन में लेबर का इस्तेमाल तो दबा के किया जा रहा था अब पता नहीं क्यों कर रहे थे मीन आओ देखते क्यों कर रहे थे दिखे? पहला चीज तो ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उन्हें ना लेबर शॉर्टेज या फिर जो लेबर को वेजेस देने को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था बिल्कुल क्योंकि वहां पे लेबर भरमान था एवेंडेंट अमाउंट पे लेबर था सिंपली कहूँ तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल पे बहुत ज्यादा करना पड़ेगा ठीक है अब लेबर तो सस्ता है तो लेबर पे ही खर्चा करेंगे क्यों कैपिटल में खर्चा करेंगे यानी कि मशीन में खर्चा करेंगे और तीसरा चीज ऐसा नहीं था कि वहां के फैक्ट्रीज में सालों साल काम चलता था नहीं जो लेबर का भी डिमांड था ना वो भी सीजनल था मान लो साल के छह महीना काम हुआ और छह महीना फैक्ट्री बंद रहता था कुछ ऐसा सिचुएशन था तो क्योंकि लेबर भी सीजनल था और मशीन का कीमत भी बहुत ज्यादा था तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों लगाना चाहेगा मशीन उसके अलावा किताब के अंदर में तुम्हारे कुछ कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको सुनने के बाद तुम कह ही नहीं सकते कि हम मशीन लगाए ठीक है मतलब भाई साहब इंग्लैंड के अंदर में उस समय फाइव हंड्रेड था हथोरे का 500 सौ वेराइटी तो इसके लिए तुम 500 मशीन लगा दोगे क्या भाई नहीं ना फोर्टी फाइव वेराइटी कुल्हारी का 45 फाइव वेराइटीज था इतना जो वेराइटीज है ये मशीन फुलफिल नहीं कर सकता इसके लिए स्पेसिफिक हमें लेबर ही चाहिए तो तुम कह सकते हो कि कुछ ऐसे सामान थे स्पेशली जो हैमर और एक्स इन्हें सिर्फ और सिर्फ हाथों से ही बनाया जा सकता था और आखिरी मैंने बताया विक्टोरियन एरा पे ना जो अपर क्लास लोग थे वो मानते थे कि जो हाथों से बनाया हुआ चीज़ है ना वो एक सिंबल ऑफ स्टेटस है ठीक है हम का चीज़ है भाई सस्ता नशा नहीं करते थे वहाँ के लोग कि मशीन से बनाया हुआ चीज़ों को आज तो हम बहुत मानते कि एक्सपेंसिव है बट उस समय में माना जाता था कि जो हाथ से बनाया हुआ चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है प्रस्टिजियस है अमीरों वाला चीज़ है तो वहाँ वही चीज़ प्रीफर किया जाता था अभी ये बात तो सच था कि इंग्लैंड के लोग हैंड लेबर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे मशीन से बट हैंड लेबर का कंडीशन ना बहुत ही गंदा था हमारा अगला टॉपिक है कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआती दौर है उस समय वर्कर्स का कंडीशन कैसा था तो इस फोटो को ध्यान से देखो तुम्हें तो सब पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन था उनके साथ लिटरली ना रहने को छत है ना खाने को कुछ है लोग गाँव से शहर आए हैं काम के तलाश पे बट लिटरली उनका कंडीशन छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग लाइन पे खड़े इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ चाहिए इसलिए कि उन्हें काम नहीं मिला है अब क्या करे वो बेबस है न घर है न कुछ है रस्ते पे ही वो खड़े खड़े सो रहे हैं लिटरली ये कंडीशन था लेबर्स का उस समय इंग्लैंड के अंदर में सोच के ना यार आज भी रू कॉँप रही है मेरी मतलब दर्द को मैं फील कर पा रहा हूँ अब ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने बताया इंग्लैंड के अंदर में लेबर का कोई कमी नहीं था तो जिस चीज़ का ना कमी नहीं होता है ना जो चीज़ तुम्हें तो आसानी से मिल जाता है ना उसका तुम तो तो वैल्यू नहीं करते तो ब्रिटेन के लेबर्स के साथ भी यही हो रहा था उनका कोई वैल्यू नहीं था जॉब की तलाश में शहर तो आते थे बट उन्हें जॉब नहीं मिल पाता था और ज़िंदगी बदतर से भी और भयंकर हो जाता था इसके अलावा मैंने बताया पहले ही तुम लोगों को कि काम जो था वो भी सीजनल था साल के आधे समय पे ही काम मिलता था और बाकी के समय में ना लोग या तो वही शहर पे रहते थे कुत्ते वाली ज़िंदगी मैंने इमेज में तुम्हें दिखाया या फिर गांव जाके छोटे मोटे काम कर लेते थे फिर भी जैसे तैसे तो ज़िंदगी जी रहे थे बट इसी बीच नाइन्टीन जो सेंचुरी था इस समय नेपोलिनिक वॉर होता है जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चल रहा था आई गेस तुमने अगर फ्रांस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है और नेपोलियन के बारे में पढ़ा है तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा जो भी हुआ ना इस नेपोलियनिक वॉर की वजह से वो और कुछ नहीं इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ गया और जब महंगाई बढ़ता है तो लोगों का रोज़गार छिनता है तो नेपोलियनिक वॉर की वजह से महंगाई और बेरोजगारी दोनों बढ़ा अब इसका रिजल्ट ये था कि लोग डर रहे थे कोई अगर नया टेक्नोलॉजी फैक्ट्री पे आ रहा था ना तो उन्हें से लग रहा था कि इनसे उनका जॉब ना छिन जाए लेकिन एग्जाम्पल है ये देखो स्पिनिंग जेनी ये एक मशीन है जिससे तुम स्पिनिंग कर सकते हो तो जब ये फैक्ट्रीज में आना शुरू हुआ ना तो जो औरतें हाथों से पहले कपड़े बुनते थे ना वो इनके ऊपर टूट पड़े बस कि ये हमारा जॉब छीन लेगा हमें बेरोजगार कर देगा और ये हम होने नहीं देंगे इस लेवल का डर था मतलब बेरोजगारी को लेके उस समय जो इंग्लैंड आज के समय क्या है उस समय कैसा था सोच के देखो जॉब के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार थे क्योंकि जॉब मिल ही नहीं रहा था अच्छा बट ये जो कंडीशन था ना उनका ये एटीन से इम्प्रूव होना शुरू हुआ अब थोड़ा बहुत जॉब जनरेट हुआ क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लाइक रोड रेलवे टनल्स ब्रिजेस ये सारे बनने शुरू हुए जिसके वजह से अब जॉब जनरेट हो रहा था और लोगों को जॉब मिल रहा था थोड़ा बहुत अभी मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था स्पिनिंग जेनी का राइट अब एग्ज़ाम में आता है इसके ऊपर कुछ तो लिखना तुम ऐसे कि ये एक मशीन है जिससे स्पिनिंग प्रोसेस में काफ़ी तेज़ी आ चुका था क्योंकि अब मशीन से होगा हाथ से नहीं होगा बट इससे एक प्रॉब्लम ये था कि अब जो लेबर का डिमांड है ये ख़त्म कर दे रहा था क्योंकि अब मशीन है तो मशीन होगा तो इंसान तो चाहिए नहीं तुम्हें तो जब लेबर का डिमांड कम आना तो जो वेलन फैक्ट्रीज में स्पिनिंग मशीन लगाया गया इंट्रोड्यूस करा गया वहाँ के जो वुमेन यानी कि जो औरत थे काम करने वाले वो इस मशीन के ऊपर टूट पड़े भाई साहब अभी तुमने ये तो जाना कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआत हुआ इंग्लैंड के अंदर में अब जानो कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड के कॉलोनीज पे चल रहा था एंड मोर स्पेसिफिकली अगर तुम एन को फॉलो करो तुम्हें जानना है सिर्फ इंडिया के बारे में और इंडिया के बारे में भी कोई बड़ा बड़ा सेक्टर्स के बारे में नहीं जानना है बस जानना है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो था वो अंग्रेजों के आने से पहले और अंग्रेजों के आने के बाद क्या कंडीशन में है क्योंकि देखो इसे पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले ना इंडिया का जो टेक्सटाइल था यानी कि इंडिया के जो कपड़े बनते थे ना उनका क्वालिटी भाई एक नंबर था दुनिया भर में जो कपड़ा डिमांड किया जाता था ना वो बस इंडिया के कपड़े ही थे लोग बस मतलब मैं क्या बताऊँ इंडिया की क्वालिटी ऑफ कपड़ों के बारे में लिटरली आज का जो नाइकी और एडिडास की कंपनीज है ना उस तरीके का क्वालिटी सोचो तुम उस समय में इंडिया का डिमांड था इंडिया का ब्रांड वैल्यू था और ये जो प्रोसेस था ना कि इंडिया से कपड़ा बना और दुनिया में गया ये जो एक्सपोर्ट होता था ना इंडिया से बाहर ये तीन पोर्ट से होता था सूरत मसूरीपट्टनम और हुगली ये तीन पोर्ट था जहाँ से पूरा जो कपड़ा था वो यूरोप तक या फिर जो सेंट्रल एशिया दुनिया के जितने भी कोने थे वहाँ तक पहुँचता था अब देखो ये जो बिजनेस था कि इंडिया का कपड़ा बाहर जाके बिकता था देखो इसे कोई बिजनेस में नहीं संभाल सकता है देखो कपड़ा बनाने वाला जो आदमी था वीबर वो तो सिर्फ कपड़ा बनाएगा इसे बेचना भी होता है कि हाँ ये कपड़ा हम इंडिया से उठाएंगे उसके बाद हम इसे जाके यूरोप के मार्केट में बेचेंगे तो ये काम था इंडियन मर्चेंट का वो क्या करते थे इंडिया के जो वेबर्स था उनसे कपड़ा एडवांस देके बनवाते थे और फिर इसे जाके यूरोपियन मार्केट में बेचते थे तो ये सिस्टम को चला रहा था इंडियन मर्चेंट तो देखो इस सिस्टम में दो तरीके का मर्चेंट काम करता था एक था सप्लाई मर्चेंट इसका काम ये था कि जो इंडिया के पोर्ट्स थे ना तीन मैंने जो बड़े बड़े पोर्ट्स बताया उससे गांव को कनेक्ट करना यानी कि इनलैंड एरियाज को कनेक्ट करना कैसे देखो ये जाते थे गांव जाके वीवर्स को देते थे पैसा कि भाई साहब तुम बनाओ एकदम मस्त क्वालिटी के कपड़े ठीक है और वीवर्स बना देते थे फिर वो कपड़ा लेके जाके वो जो पोर्ट है चाहे वो सूरत पोर्ट हो मसूरीपट्टनम हो या हुगली पोर्ट हो वहाँ लेके जाके रख देते दे थे अब इसके बाद आता दूसरा टाइप ऑफ मर्चेंट जो था जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट मर्चेंट नाम से ही समझ आ रहा है ये वो कपड़ा लेके जाके दुनिया के अलग अलग कोनों में बेचते थे एक्सपोर्ट मर्चेंट सिंपली जो सप्लाई मर्चेंट से खरीदता था नेगोशिएट करके प्राइस जो भी होगा उनका मोलभा बिजनेस के हिसाब से उस फिर वो उस कपड़े को लेके दुनिया भर में बेच देता था एंड दैट्स हाउ दिस सिस्टम वर्क बिफोर Uh, अंग्रेजों के आने से पहले बट 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 तुम्हें पता है अंग्रेज आते हैं और ये पूरा सिस्टम को तबाह करके चले जाते हैं मैं बात कर रहा हूं सेवनटीन का जो समय जब ये सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है कैसे देखो जिस तरीके से इंग्लैंड के अंदर में भी जो बड़े बड़े मर्चेंट थे वहाँ के उन्होंने क्या किया था राजा के साथ अपना जो रिलेशन है बहुत ही स्ट्रांग करके एक मोनोपोली राइट लेके रखा हुआ था बिजनेस में कि अगर एक चीज़ का प्रोडक्शन हो तो वही करेंगे सेम चीज़ उन्होंने इंडिया में आके इंडिया के राजाओं के साथ भी किया पहले रिलेशन बनाया दोस्ती बनाया फिर फिर अपना मोनोपोली राइट लिया कि अब जो भी ट्रेड होगा ना कपड़ों का इन वेबर्स से वो हम करेंगे हम आएंगे वेबर्स को पैसा देंगे और सामान अपने देश में लेके जाएंगे अब देखो इससे लॉस किसका हो रहा है बताओ इंडियन मर्चेंट का राइट नहीं देखो धीरे धीरे इस तरीके से ही इंडिया को गुलाम बनाने का शुरुआत होता है प्रोसेस देखो क्या होता है पहले आता है मोनोपोली राइट लेता है ट्रेड का जितने भी यूरोपियन कंपनीज थे अब इसके वजह से क्या होता है इंडियन मर्चेंट जो पूरी तरीके से इस बिजनेस को संभाल रहे थे उनका बिजनेस थप पड़ जाता है और जो दो बड़े बड़े पोर्ट थे सूरत और हुगली ये अब बंद पड़ गया था क्योंकि इससे कौन ट्रेड करता था इंडियन मर्चेंट बट अब कंट्रोल किसके हाथ में था अंग्रेजों के हाथ में तो अंग्रेजों ने ना दो अलग पोर्ट बनाया एक बॉम्बे पोर्ट और एक था कैलकाटा पोर्ट यहाँ से उन्होंने बिजनेस करना अपना शुरू किया कि सेम प्रोसेस जो इंडियन मर्चेंट करते थे वही चीज उन्होंने किया आएंगे वेवर से पैसा दे के सामान लेके वो अपने मार्केट पे बेचते थे बस यहाँ पे रिप्लेस कर दिया था उन्होंने उस सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहे थे इंडियन मर्चेंट और तुम कह सकते हो यही से गुलामी का पहला शुरुआत होता है कैसा देखो पहले हटाया उन्होंने किस मर्चेंट को अब दूसरा कौन था टारगेट पे वेबर्स अब देखो वेबर्स के साथ कैसा एक्सप्लोर्टेशन होता है जिस समझने के लिए हमारा अगला टॉपिक व्हाट हैपन टू वेबर्स कुछ दिन पहले मैंने एक मोटिवेशनल बुक पढ़ा जिसके अंदर मैं एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र था कि अगर तुम एक मेंढक को ना गर्म पानी में डाल देते हो तो वो तुरंत वहाँ से कूद के निकल जाएगा बट वहीं पे अगर तुम एक मेंढक को नॉर्मल पानी पे रखते हो फिर उस पानी को धीरे धीरे तुम गर्म करते हो ना तो एक शॉकिंग रिजल्ट सामने आया कि वो मेंढक वहां से हिलता तक नहीं है लिटरली जब तक तो उसे पता चलता है कि ये बहुत गर्म है इससे मुझे निकलना चाहिए तब तक बहुत देर हो चुका होता है और रोमेंटक वही मर जाता है तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे इंडियन वेबर्स के साथ जब तक तो उन्हें पता चलता है कि अंग्रेजों ने उनके साथ क्या किया तब तक बहुत देर हो चुका था देखो जो शुरुआती दौर था उस समय इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर हो या वेबर्स के साथ ऐसा कुछ बड़ा चीज़ हुआ नहीं था क्योंकि देखो उस समय ना टेक्सटाइल जो था इंडिया का उसका यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड था तो यूरोप और इंग्लैंड के लोग तो इंडिया का जो कपड़ा है उसका दीवाने थे तो इन्हें बर्बाद करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता उल्टा इंग्लैंड इस चीज़ से परेशान था कि कैसे जो टेक्सटाइल है रेगुलरली इंग्लैंड जाए इंडिया से क्योंकि देखो उस समय दो प्रॉब्लम था पहला चीज़ तो उस समय इंडिया के अंदर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था सिर्फ इंग्लैंड नहीं था इंडिया के अंदर में इसके अलावा फ्रेंच डच पॉर्चगीज़ और लोकल ट्रेडर भी ये जो चीज़ है एक्सपोर्ट करने का टेक्सटाइल को यूरोपियन कंट्रीज़ में कर रहे थे तो ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से पूरा मार्केट इंग्लैंड को ही मिल जाए दूसरा चीज ये था कि उस समय जो वेबर्स था उनके पास जो बार्गेनिंग पावर था वो सामान उनको बेचेगा जो उन्हें सबसे ज़्यादा पैसा देगा सिंपल सा बात है बिजनेस में भाई मैं सामान उन्हें बेचूंगा जिससे मुझे सबसे ज़्यादा मुनाफा हो तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से वेबर्स के पास बार्गेनिंग पावर ना बहुत ज़्यादा था इन दोनों चीज़ों के वजह से रेगुलर सप्लाई जो था कॉटन टेक्सटाइल का इंडिया से इंग्लैंड ये नहीं हो पा रहा था बट बड बट बट ये सब चीजें बदल जाता है जब एक बार ईस्ट इंडिया जो कंपनी होता है ना उसके पास पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल आता है इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर ग्रैप करता है राजाओं को हरा के या राजाओं को डोमिनेट करके पूरी तरीके से जो एक गुलामी का दौर है ना उसका शुरुआत करता है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पॉलिटिकल पावर आता है इंडिया के अंदर में जो कंपटीशन था ना वो पूरी तरीके से खत्म कर देता है और दूसरा पूरा ट्रेड का मोनोपली राइट को ले लेता है अब कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपटीशन को पूरी तरीके से इंडियन मार्केट से खत्म किया वो जानो सबसे पहला स्टेप एक

पैसा उन्होंने दिया है पहले ही लोन के तौर पे पर जाओ सामान बनाओ अब इस चीज़ का सामान बेचे किसको उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उन्हें बेचना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से उधारी लेके सामान बनाए तो उनके पास ही तो बेचना पड़ेगा वो दूसरे के पास जा ही नहीं सकते अब इस चीज का इम्पैक्ट क्या पड़ा वो देखो वहीबर्स के ऊपर कई सारे ऐसा रिपोर्ट्स देखा गया कि गौमस्तास एंड वेबर्स के बीच लड़ाई हुआ क्लैशेस हुआ अब ऐसा क्यों था पहले जो मर्चेंट थे ना इंडिया के मर्चेंट वो बहुत ही फ्रेंडली थे वेबर्स के साथ ज़्यादातर केसेस में वो जो मर्चेंट था वो गांव का ही आदमी होता था या फिर नहीं भी होने से काफ़ी फ्रेंडली बिहेव होता था मर्चेंट और वेबर्स के भी जो रिलेशन था उसका बट बट क्योंकि गोमस्तास तो एक अपॉइंटेड सर्वेंट थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया गया था तो उनके पास पावर था जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से वो ट्रीट कर सकते थे वेबर्स के साथ तो वो अपना ठाट बाट सब दिखा रहे थे पीजेंट्स को और इसके वजह से लड़ाई होता है दूसरा चीज़ अब जो वीवर्स के पास एक बार्गेनिंग पावर था ना कंपटीशन होने की वजह से जो मुझे ज़्यादा प्राइस देगा मैं उसके पास ही बेचूंगा सामान वो छिन चुका था उनसे क्योंकि अब उधारी लेने के वजह से अब सामान उनको ही बेचना पड़ेगा ऑप्शन है नहीं ऊपर से कंपनी जो प्राइस देगा वही लेना पड़ेगा क्योंकि उनके ही पैसे से सामान बनाए तो देख रहे हो भाई साहब किस तरीके से हेल्पलेस कर दिया था को लोन लेने के कारण मजबूरन जो टर्म्स एंड उनके ऊपर डाला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसको ही मानना पड़ रहा था और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये होता है कि कई सारे वीबर्स ने अपना ये काम छोड़ के खेती की ओर चल दिया तो इस चीज को देखते हुए हमें क्या द स्टोरी मिलता है कि उधारी तभी लो जब तुम उसके लायक हो ये नहीं कि पैसा बट रहा है तो भाई साहब जाके ले ही लेते कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा नहीं यार मैं एक इकोनॉमिक स्टूडेंट हूँ और फाइनेंस के बारे में मुझे अच्छा खासा नॉलेज है इसके हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ लोन अपनी ज़रूरतों के लिए तो लेना ही मत अगर तुम कोई बिजनेस करना चाहते हो और तुम उसके लिए कॉन्फिडेंस हो कर सकते हो फ्री लेना ये अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेना जो है बहुत ही गंदा चीज़ है तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को बहुत ही मतलब क्या कहते हैं परेशानियों में डाल सकता है खैर यह तो ज्ञान की बात है बढ़ते अगला टॉपिक जो कि है मैनचेस्टर कम इन इंडिया क्या है देखो इंग्लैंड के अंदर में अगर कहीं पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज था ना वो जगह था मैनचेस्टर तो अब कहीं जगह में मैनचेस्टर में मैनचेस्टर मैंशन होगा इसका जगह में मैं ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का मैंशन करूंगा एक ही बात है क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्री ज्यादातर मैनचेस्टर में था तो किताब में काफी बार मैनचेस्टर मैनचेस्टर कहा गया है बात वही है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ही कहा जाता है मैनचेस्टर क्योंकि वहां में कई सारे इंडस्ट्रीज थे सो so, होता क्या है देखो प्रॉब्लम्स चल रहा था वीवर्स के साथ बहुत ज्यादा पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरीके से उनके ऊपर कंट्रोल रखा हुआ था अब एक नया प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम और कुछ नहीं अंग्रेजों का कंपनी इंडिया में आना शुरू होता है और यह सामान बेचना शुरू करता है और ये चीज इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है अब कैसे वो जानने से पहले एक भाई साहब है उनका बात सुन लो 1772 को एक अंग्रेज ऑफिसर हेनरी पटूलो ने कहा इंडिया बहुत अच्छा कपड़ा बनाता तो है इंडिया के कपड़ा का डिमांड कभी ख़तम नहीं होगा इंडिया जैसा कपड़ा कोई नहीं बना सकता हा हा हा, हा। लिटरली उनका बात मतलब इतना मनूस था ना इतना मनूस था कहने के कुछ ही सालों बाद तुम देखो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट इंडिया में इंडिया का थर्टी थ्री परसेंट था वो घट के तीन परसेंट पर आ गया अब ये कैसे हुआ ये जानते हैं ब्रिटेन के अंदर में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे वो गवर्नमेंट को ये प्रेशराइज कर रहे थे कि ये जो सामान इंडिया से एक्सपोर्ट होके आ रहा है हमारे देश पर इनके ऊपर लगाओ बहुत ज्यादा टैरिफ टैक्स दूसरा चीज उन्होंने ये किया कि अब ना ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडस्ट्रीज लोगों ने कहा कि हमारा सामान इंडिया में जाके आप बेच दो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि ठीक है बेच देंगे अब इसके वजह से दो प्रॉब्लम आता है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को पहला तो एक्सपोर्ट मार्केट खत्म को हो गया दूसरा जो इंडियन मार्केट था उसे भी इन्होंने बर्बाद कर दिया क्योंकि अब अंग्रेजों का सामान आके इंडिया में बिकेगा और प्रॉब्लम यह खत्म नहीं होता है मेरे भाई फिर भी देखो जैसे तैसे इंडिया के वेबर्स ना चल रहे थे सर्वाइव कर रहे थे बट एटीन में अमेरिकन सिविल वॉर शुरू होता है जिसके बाद अब अमेरिका से कॉटन तो यूरोप पहुंचेगा नहीं इंग्लैंड पहुंचेगा नहीं अब पूरी तरीके से जितने भी कॉटन का एक्सपोर्ट था ना वो इंडिया से ही होके जाता था ब्रिटेन तो अब इंडिया के वेबर्स के पास रॉ कॉटन कच्चा कॉटन ही नहीं बचता था क्योंकि यहाँ से सब सामान तो चला गया ना भाई ऑफ इंग्लैंड अब क्या बनाएंगे लिटरली देखो अब बनाने के लिए सामान ही नहीं है अब कंपटीशन का बात तो छोड़ ही दो और देखो प्रॉब्लम फिर भी यहाँ भी ख़त्म नहीं होता लेट 19th जो सेंचुरी है इस बीच इंडिया में भी इतने सारे इंडस्ट्रीज बनता है कि जो सामान मशीन से बना है वो सामान इंडियन मार्केट में भर गया और हाथ से बनाया हुआ सामान का जो वैल्यू है वो अब खत्म हो चुका था एक तो महंगा बिकता है दूसरा चीज रॉ मटेरियल है नहीं करे तो करे गया भाई साहब अंग्रेजों ने भी मारा और इंडिया की इंडस्ट्रीज ने भी उन्हें मारा तो तुम कह सकते हो कुल मिला इस समय पर पूरी तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो चुका है ये वो पॉइंट था जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का हो चुका था आर आई पी रेस्ट इन पीस अभी तुमने देखा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने तरीके से हमारे सेक्टर को को बर्बाद बर्बाद किया। किया, ये तो तो एक था इसका एक था, इसका भी है। देखो, अंग्रेजों ने तो इससे ना हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना वो थोड़ा बढ़ा। हमारा अगला टॉपिक है कई सारे लेटर 19th सेंचुरी में बना, पहला जो इंडिया का था, के अंदर पहला जूट मिल बनता है बंगाल के अंदर में 1855 को इसी तरीके से तुम देखो ये कानपुर के अंदर भी एक मिल बनता है फिर अहमदाबाद में भी बनता है एन ऑन एन ऑन कई सारे मिल बनता है इंडिया भर में अब हमें ये ढूंढना है कि कौन थे ये लोग जो उस समय में जब अंग्रेज पूरी तरीके से दबदबा रखे हुए बैठे थे इस बीच भी इंडियन इंडस्ट्रीज को खड़ा कर रहे थे और पैसा कहाँ से मिल रहा था उन्हें और

हम तो गुलाम थे बट चाइना को अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से गुलाम नहीं बनाया था तो वहाँ ट्रेड सिस्टम होता था ठीक है चाइनीज़ लोगों को ओपियम बहुत पसंद है जिन्हें ओपियम नहीं पता एक तरीके का ड्रग समझ लो तो अंग्रेज़ लोग इंडिया में ओपियम को प्रोड्यूस करते थे और फिर ये ओपियम जाके बेचते थे चाइना के पास और वहाँ से टी लेके जाके यूरोप पे बेचते थे तो कुछ इस तरीके से ट्रेड चलता था अब इस ट्रेड सिस्टम से ना इंडियन लोगों ने भी काफ़ी फ़ायदा उठाया और वही लोग थे आगे जाके जिन्होंने इंडिया के अंदर में पैसे कमाने के बाद इंडस्ट्रीज को सेटअप किया मैं नाम लूंगा कुछ बड़े बड़े लोगों का ध्यान देना और नामों को याद रखना एग्जाम में भी काम आ सकता है पहला नाम है द्वारका नाथ टैगोर इन्होंने ये जो चाइना ट्रेड था ना इससे काफ़ी पैसा कमाया इतना पैसा कमाया कि लिटरली छह कंपनीज खोला जॉइंट स्टॉक कंपनीज को उन्होंने जो पैसा कमाया था उससे खोला उसके बाद दो पारसी बिजनेसमैन पहला दिन सो पटीट और दूसरा का नाम तो मैं क्या बताओ तुम लोग आएगे जानते हो द ग्रेट जमशेद जी जी टाटा मैं इनका कंपैरिजन गांधी जी से नहीं करना चाहूंगा इनका ना अलग ही रोल था इंडिया को लेके मैं इस वीडियो में तुम्हें उनके बारे में कुछ बता के इंसल्ट नहीं करना चाहूंगा उनका कि हल्का सा बता के उनके बारे में मैं छोड़ दूंगा दैट इज द डिसरेस्पेक्ट फॉर दिस मैन मैं चाहूंगा कि तुम उनका बायोग्राफी या फिर जो इंटरनेट पर वीडियो है उन्हें देखो मतलब छोड़ो इनके बारे में अलग ही रेस्पेक्ट है मेरे हार्ट पे मैं इन्हें इस वीडियो में एक्सप्रेस नहीं करना चाहता तुम्हें तो बस इतना कहूँगा इनके बारे में थोड़ा खुद से रिसर्च करो हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो है सेठ हुकुम चंद इन्होंने क्या किया पहला इंडियन जूट मिल स्टाब्लिश किया है कैलकाटा के अंदर में देखो देखो बंगाल के अंदर में पहला जूट मिल जो कि इंडिया का एक लौता था 1855 को इस्टबलिश हो चुका था बट वो किसी इंडियन ने नहीं किया था पहला इंडियन जिसने जूट मिल स्टेब्लिश किया था वो भी कैलकाटा के अंदर में 1917 को वो आदमी था सेठ हुकुमचंद इसके अलावा देखो जो जी डी बिरला है ना इनके फादर और ग्रैंडफादर ने भी काफ़ी सारे रोल प्ले किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था उनके ऊपर तो कुछ पाँच ये नाम है इनके ऊपर ध्यान देना और स्पेसिफिकली सेठ हुकुमचंद के ऊपर ध्यान देना हम बरते जो दूसरा सवाल कि किस तरीके से इन्होंने पैसे का जुगाड़ किया इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए कैपिटल का जुगाड़ किया मैंने थोड़ा वो तुम्हें हिंट पहले ही दे दिया है जो चाइना के साथ ट्रेड होता था उससे बहुत पैसा कमाया इन लोगों ने तो वो एक सोर्स था कैपिटल का दूसरा देखो सिर्फ चाइना के साथ ही ट्रेड नहीं किया इन्होंने मर्चेंट व्यापारी कभी अपना जो बिजनेस एक जगह से नहीं करता ठीक है बहुत स्मार्ट होते व्यापारी या मर्चेंट लोग ठीक है आई गेस अगर तुम में से कोई भी सुन रहे हो जो गुजराती हो या मरवारी हो तो तुम समझ पाओगे कनेक्ट कर पाओगे इस बात को मतलब इन लोगों का माइंड सेट ना अलग ही लेवल पर चल रहा होता है मतलब हमारा जो माइंड सेट है ना हम लोगों का इनका माइंड सेट टोटली अपोजिट रहता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट बहुत अच्छी बात है इन लोगों की वजह से आज हमारा पहचान है दुनिया भर में खैर हम मुद्दे पे आते ट्रेड जो है अदर नेटवर्क पे भी होता था लाइक like, बर्मा जो कि आज का प्रेजेंट म्यांमार है मिडिल ईस्ट जैसे कि गल्फ कंट्रीज इनके साथ होता था इसके अलावा इंडिया इतना बड़ा है ना इनके अंदर भी कई सारे ट्रेड नेटवर्क्स को इन्होंने कंट्रोल करके पैसा कमाया ठीक है मैंने बता दिया तुम्हें कि कैपिटल कहाँ से आया कौन लोगों ने बनाया अब बात करते हैं कि वर्कर्स इस इंडस्ट्रीज में वर्कर्स कहाँ से काम करने के लिए आते दे थे देखो बहुत सिंपल है इंडस्ट्रियल रीज़न जो जहाँ इंडस्ट्रीज बना उनके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट थे ना उन डिस्ट्रिक्ट से आते थे काम करने के लिए लेबर्स एग्जाम्पल लेते हैं बॉम्बे का जो कॉटन इंडस्ट्री था उसमें फिफ्टी परसेंट से भी ज़्यादा काम करने वाले लोग पासी का एक डिस्ट्रिक्ट था रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट वहाँ से आते थे मतलब देख रहे हो पचास परसेंट से भी ज़्यादा लोग उस डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ काम करते थे तो मोस्टली ऐसा ही चलता था इंडिया के जहाँ भी इंडस्ट्रीज था ना उसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ से वर्कर्स आके काम करते थे फिर घर चले जाते थे ज़्यादातर या फिर आ, सामने भी आसपास कोई सेटल होने का जगह हो तो सेटल भी होते थे बट देखो सिचुएशन चेंज होता है बेरोजगारी का जब रेट बढ़ता है ना काम जब अपने डिस्ट्रिक्ट अपने जो लोकल एरिया है वहाँ मिलना बंद होता है तो लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके भी जॉब uh, का सर्च किया लाइक like, जो एग्ज़ाम्पल है कि जो यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि जो आज का यूपी है वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके बॉम्बे uh, कलकत्ता uh, इन जगहों पे जाके काम करने का डिसीजन लिया एकमात्र रीजन जॉब नहीं मिल रहा था जहाँ वो रहते थे, थे तो अब इस सब बात है जहाँ जॉब मिलेगा वहाँ जाएंगे चाहे लॉन्ग डिस्टेंस ही ट्रैवल क्यों ना करना हो बट देखो दुख की बात यह है कि जॉब मिलना ना उस समय बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि सेम रीज़न जो कि इंग्लैंड में था जितना जॉब अवेलेबल है मार्केट में उससे ज़्यादा जब लोग जॉब को ढूंढते हैं ना तो जॉब कहाँ मिलेगा भाई लोग तो बेरोजगार रहेंगे तो इस चीज़ को ना दूर करने के लिए जो उस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे जो भले लोग थे उन्होंने एक जॉबर अपॉइंट किया अब देखो ये जॉबर एक तरीके से एक इंसान होगा जिसका काम होगा कि इंडस्ट्री में काम करने वाले जो नए रिक्रूट है उन्हें अपॉइंट करना यानी कि तुम कह लो कि नए लोगों को इंडस्ट्रीज में काम में रखने का जो जिम्मेदारी होगा इस बंदे का होगा ठीक है ये कंपनी का सबसे ट्रस्टेड एंड बुरा इंसान होगा बुजुर्ग इंसान होगा जिसके ऊपर सबसे भरोसा है कि ये तो भाई चुतियापा करेगा नहीं बट देखो आगे तुम क्या होता है इसका काम ये था कि जो भी अपने गांव के लोग थे उन लोगों को लाओ शहर में ला के बसाओ काम ज्वाइन कराओ और अगर कोई उन्हें प्रॉब्लम आए फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो पैसा दे के मदद करो बट कहते हैं ना कि जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले भी होते हैं यहाँ भी वही चीज़ हो रहा था आगे मैं नहीं बता रहा तुम लोग समझदार हो समझ गए अब है बस दो टॉपिक पहला देखो कि पिकुलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ इंडिया हाँ देखो पिकुलरिटीज़ का मतलब है कोई अजीब चीज़ होना अनयूजल चीज़ होना ऐसा चीज़ जो तुम एक्सपेक्ट नहीं किए थे ऐसा कुछ होना हमने देखा था यार इंडस्ट्रियल ग्रोथ ब्रिटेन के अंदर में कैसा था काफ़ी धीमा था ठीक है क्योंकि टेक्नोलॉजी को अडप्ट नहीं कर पा रहा था हुआ बट इंडिया में ना बहुत ही अजीब कुछ होता है क्या अजीब होता है देखते हैं ठीक है इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे वो मैनचेस्टर गुड्स यानी कि जो अंग्रेज़ों के जो कंपनीज थे जो प्रोडक्ट वो बनाते थे उससे कंपटीशन नहीं लेते थे उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेते थे क्योंकि भाई अंग्रेज़ों से दुश्मनी जो लेगा वो तो सीधा पेला जाएगा ना भाई तो हमें तो भाई स्मार्ट वर्क करना है यानी कि हमें उनसे बचते बचाते अपना बिजनेस भी करना था तो हमने क्या किया देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर बुक पर मैंने भी हल्का से छोटा सा लिख दिया है कि देखो अंग्रेज़ कपड़ा बनाते थे राइट मैन्युफैक्चर करके मशीन से तो हम कपड़ा नहीं बनाते थे हम क्या बनाना शुरू कर दिए यान यानी कि हम धागा बनाना शुरू कर दिए जो कॉटन का धागा होता है वो बनाते थे हम तो अभी ये तो उल्टा उन लोगों को चाहिए होगा मदद भी कर देंगे हम उन्हें बेच देंगे बट उनसे लड़ेंगे नहीं उनसे कम्पीट नहीं करेंगे उनके प्रोडक्ट के साथ इसके अलावा जो स्वदेशी मूवमेंट था ना इसने काफ़ी ज़्यादा फायदा दिया इंडस्ट्रियल ग्रोथ को क्योंकि हमने फॉरेन सामान को तो बॉयकआउट कर दिया था अब सामान खरीद किसके रहते हैं जो भी सामान इंडियन फैक्ट्रीज़ पे बन रहा था इंडस्ट्रीज़ में बन रहा था वही तो हम यूज़ कर रहे थे क्योंकि वो देश का सामान है राइट इसके अलावा देखो हमारा जो धागा यानी कि यान जो था ना वो चाइना में बहुत पॉपुलर था बहुत बिकता था उधर बट क्या हुआ कि चाइना और जापान के अंदर में भी बहुत ज़्यादा मिल खुला जिसके वजह से अब वहाँ के जो मिल थे उन्होंने अपना सामान चाइनीज़ मार्केट पर फ्लड कर दिया अब इंडिया का जो यान था उसका डिमांड घट गया पूरी तरीके से वहाँ हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे प्रॉब्लम था हमारा बट हमने इसका पॉजिटिवली इस्तेमाल किया हमने अभी यहाँ से शिफ्ट करके कपड़ा बनाना शुरू कर दिया बट 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 मैंने तो मैं थोड़ा पहले बताया कि हम तो कंपटीशन को अवॉइड कर रहे थे हम तो कपड़ा बना ही नहीं रहे थे फिर मैं अभी कह रहा हूँ कि कपड़ा बना रहे थे देखो कंडीशन उस समय थोड़ा बदल रहा था जितने भी मैनचेस्टर के इंडस्ट्रीज थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था वहाँ बिजी हो गया था आगे इसका ऊपर एक क्वेश्चन है सुनो कैसा आएगा क्वेश्चन कि कैसे जो मैनचेस्टर के कंपनीज थे या फिर जो गुड था उसने इंडियन मार्केट को खो दिया कैप्चर नहीं कर पाए देखो पॉइंट वाइज लिखना बिल्कुल ही सुंदर से पहला चीज़ तो देखो जितने भी ब्रिटिश मिल थे अब वो बना रहे थे वॉर प्रोडक्शन को रिलेटेड चीज़ें जो भी लड़ाई में चाहिए होगा वो चीज़ें बना रहे थे जिसके वजह से जो मैनचेस्टर का इंपोर्ट है ना जो वहाँ से सामान इंडिया में आता था वो बहुत बुरी तरीके से गिर चुका था आ ही नहीं रहा था लिटरली समझ लो क्योंकि अब वो वॉर पर बिजी थे अपना जितना प्रोडक्शन है देश भी कर रहे थे अब इंडियन मील के पास बहुत ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया था कि इतना बड़ा इंडिया वास्ट जो मार्केट है इसका कंट्रोल अब हमारे हाथों में है उल्टा देखो क्या हो रहा था वो लोग उल्टा हमारे जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज थे ना उन्हें कह रहे थे कि भाई हमारे लिए भी थोड़ा प्रोडक्शन कर दो लाइक लाइक जो जूट के बैग्स क्लॉथ या फिर जो आर्मी यूनिफॉर्म्स थे वो इंडिया से उल्टा इंग्लैंड जा रहा था ठीक है तो इन सारी चीज़ों के वजह से जो मैनचेस्टर जितना मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ था पहले वॉर के बाद वो सारा चीज़ हाथ से चला जाता है उनके तो इसके वजह से अल्टीमेटली हुआ क्या कि इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रीज थे उन्होंने एक डोमिनेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया इंडियन मार्केट पे खैर जो मैं आगे बता रहा था पिक्युलरिटीज़ यानी कि अजीब चीज़ें जो क्या क्या हुआ उसमें मैंने चार पॉइंट बताया था कि वॉर के वजह से जो है मैनचेस्टर काफ़ी वीक पड़ गया था इंडियन मार्केट पर इसमें एक फिफ्थ फैक्टर भी जोर देना तुम कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना इन्होंने भी काफ़ी डोमिनेट रोल प्ले किया था तुम कहोगे कि अंग्रेजों ने तो इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था जब हमने देखा था कि अंग्रेजों ने टेक्सटाइल सेक्टर को एक प्लानिंग के साथ सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ बर्बाद किया है बट देखो इतने आसानी से कोई चीज़ खत्म नहीं होता इंडिया में इंडस्ट्रीज बने थे बट वो बहुत ज़्यादा नहीं था लार्ज सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी वो कैप्चर नहीं कर रहा था कई कई छोटे एरियाज में ही थे जो कि तुम इस मैप में भी देख पा रहे हो अभी भी इंडिया के लाखों घरों में वही पुराना सिस्टम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि हाथों से बनाया हुआ चीज़ें ही प्रेफर किया जाता था उल्टा ये जो सेंचुरी है ना ट्वेंटी सेंचुरी इसमें जो हाथ से बनाया हुआ हैंडलूम प्रोडक्ट का उल्टा डिमांड बढ़ता है तो इन्होंने भी ना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाया जो अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है लाइक जो एक फ्लाई सटल ये हैंडलूम के अंदर में जो हाथ से कपड़ा बनाया जाता है इसके ऊपर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया जिसका नाम है फ्लाई शटल जिसके हेल्प से कपड़ा जो है अब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है लेबर का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जा रहा है ठीक है मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चेक करो इसके लिए ठीक है मैंने वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो अपलोड किया हुआ है कॉपी की वजह से मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता तुम समझ रहे हो बात बट लिटरली मैं कहना चाहूँगा उस वीडियो को देखो तुम काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाओगे कपड़ा कैसा बनता है एक धागे से एक कपड़ा बनने का जो प्रोसेस है वो मैंने बता के रखा हुआ है देखो हमेशा से मेरा ये मोटो रहा है कि तुम्हें मैं प्रैक्टिकली दिखा पाओ प्रैक्टिकली समझा पाओ क्या चीज़ कैसे होता है किताब तो भाई साहब जिंदगी भर नहीं रहेगा बट जो तुम देखते हो जो तुम सीखते हो ना वो तुम्हारे साथ रहेगा देर इज़ पार्ट ऑफ द ह्यूमन नॉलेज और ह्यूमन नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है तो तुम जाके चेकआउट करना मेरा इंस्टाग्राम मैं आज ही अपलोड कर दूंगा वो वीडियो तो देख लेना हाल फिलहाल मैं ये कह रहा था कि देखो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो ये फ्लाई शेटल है जो तुम आगे जाके देखोगे इंस्टाग्राम पे इसके वजह से जो हाथ से बनाया हुआ प्रोडक्ट है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आता है इसके अलावा देखो उस समय में ना जो वीबर्स जो कपड़ा बनाते थे हाथ से वो भी दो तरीके के थे एक तो जो आम वेराइटी सब पुअर क्वालिटी ऑफ कपड़ा बनाते थे दूसरा जो एक फ़ाइनर वेरायटी था बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कपड़ा बनाते ये जो अच्छे क्वालिटी के कपड़ा बनाते थे ना ये तो उल्टा इंडस्ट्रीज लोगों के साथ टक्कर देके चल रहे थे क्यों क्यों देखो इंडिया के जो अमीर क्लास के लोग थे ना ऐसा नहीं था कि उस समय भी पूरा इंडिया गरीब ही था हमेशा जो है सोशल डिवाइड होता है अमीर और गरीब रहता है तो अमीर लोग ना ये जो अच्छे क्वालिटी के हाथ से बने हुए चीज़ जैसे इंग्लैंड में भी तुमने देखा था कि उनका डिमांड था यहाँ में भी सेम इंडिया में भी सीन है Uh, अच्छे वेराइटीज ऑफ जो क्लोथ हाथ से बना हुआ है उनका डिमांड रेगुलर था जिसके वजह से इनका कंडीशन जो है बहुत अच्छा था उल्टा ये तो टक्कर दे चल रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को खैर यही तक था ये टॉपिक आखिरी टॉपिक जो की है मार्केट ऑफ गुड मैं कहूँगा देखो इस टॉपिक का नाम ना मार्केट ऑफ गुड नहीं होना चाहिए था मार्केटिंग ऑफ ब्रिटिश गुड इन इंडियन मार्केट ए के हाउ टू मेक चूतिया बनाइंग इंडियंस बाय स्मार्ट मार्केटिंग टेक्निक्स होना चाहिए था क्यों मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को देखो इन्होंने कुछ बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे कि लगे जो सामान वो ब्रिटेन से इंडिया में ला रहे थे ना वो सामान वो ब्रिटेन का ना लगे वो लगे कि ये देश में बना हुआ सामान है उनका सामान है यूज़ करना चाहिए पहला चीज़ तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं आज भी उस तरीके का इस्तेमाल किया जो कि काफ़ी कारीगर तरीका होता है एडवर्टाइज़मेंट करो ताकि लोगों को तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले नॉर्मल तरीका है दूसरा तरीका लेबलिंग देखो कपड़े के पीछे लिखा होता है मेड इन इंडिया मेड इन चाइना ठीक है तो उस समय में सबसे अच्छा जो ब्रांड का कपड़ा होता था उसे कहा जाता था कि मेड इन मैनचेस्टर का जो कपड़ा है वो बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा माना जाता था तो इस लेवल का भी इस्तेमाल करते थे ताकि उनका जो प्रोडक्ट काफ़ी सेल हो तीसरा चीज़ देखो वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर इंडियन गॉडेसेस एंड गॉड्स का फोटो चिपका के देते थे कि देखो ये तुम्हारे ही भगवान के फोटो है तुम्हारे ही कपड़े है तुम्हारे ही प्रोडक्ट है भाई ख़रीद लो ना ये अंग्रेज हमने नहीं बनाया ये ये तो भाई भगवान का दिया हुआ चीज़ें ऐसे नहीं नकारा करते लो खरीदो यार हम तो भले आदमी है तुम ही चूती हो इन्हें नहीं ले रहे ऐसा कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करते थे फिर बहुत एक स्मार्ट तरीका कैलेंडर्स समझते हो तुम तो आई गेस तुम्हारे घर में भी होगा कैलेंडर जहाँ में तुम डेट देखते हो बट उसके नीचे या साइड में कहीं प्रोडक्ट चिपका हुआ होता है देखना तुम तो वो तरीका उन्होंने भी इस्तेमाल किया जो उनका प्रोडक्ट होता था ना वो उस कैलेंडर में चिपका के सबको बांटते थे कि फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो गया देखो हर दिन तुम सुबह उठ के डेट देखोगे कि आज का डेट क्या है साथ में तुम उनका प्रोडक्ट को भी देखोगे देखो मार्केटिंग टेक्निक देख रहे हो तुम <laughs> क्या कहे यार ये या अंग्रेज तो थे ही मतलब भाई सबके सब चोर हैं साले ठीक <laughs> है और आखिरी चीज़ देखो वो क्या करते थे जो बड़े बड़े फिगर्स लाइक एम्परर एंड नवाब का भी फोटो अपने प्रोडक्ट पे लगाते थे कि देखो ये तुम्हारा राजा है तुम्हारा नवाब है तुम्हारा एम्परर है तो इनके ही प्रोडक्ट खरीद लो भाई मतलब टेक्निक देख रहे हो और इसमें देखो इंडियन लोग भी कम नहीं थे हाँ इंडिया के बिजनेसमैन को भी तुम कम बनना अपना उन्होंने क्या किया उनका जो प्रोडक्ट था उसमें नेशनलिस्ट मैसेजेस लिखा देखो अगर देश को तुम बचाना चाहते हो देश को आज़ाद करना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट खरीदो देख रो हर कोई अपना प्रोडक्ट बेचने पे तुला हुआ है कोई भगवान के नाम पे बेच रहा है कोई देश को आज़ादी के नाम पे बेच रहा है मतलब बिजनेस ना अलग ही लेवल के होते हैं उनका मकसद बस प्रॉफिट से होता है चाहे प्रॉफिट किसी से भी आए रिलीजन जेंडर कुछ नहीं छोड़ते यार वो पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन ये बोल के मैं कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता रहने दो यार हाँ तो होता है हमारा चैप्टर ये खत्म आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा कुछ भी अगर डाउट है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो मैं कोशिश करता हूँ तुम लोगों को जहाँ तक जवाब देने का अगर नहीं दे पाया ना तो दिल से सॉरी यार मेरा खुद का एग्जाम चल रहा है बट एग्जाम के बाद मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा और जो मैं हमेशा जाने से पहले कहता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी एनिमेशन हुए हैं उनमें मेरे सिस्टर का, का काफी इंपॉर्टेंट रोल था दो तो, तो मैं चाहूँगा कि तुम जाके उसके चैनल को चेकआउट करो और सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो एंड देन मुझे आखिर में तुम्हें यही कहना है कि थैंक यू लव यू ऑल ओके okay, एक बात मैं बताना भूल गया है देखो नोट्स की चिंता मत करना एग्जाम के बाद मैं टेलीग्राम पे जितने भी नोट्स हैं सब अपलोड कर दूंगा एंड जो देखो वीडियो का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है एक बार प्लेलिस्ट चेक करो यार तुम लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट करते रहते हो कि ये नहीं बना हुआ ये नहीं बना हुआ एक बार देखो हाँ मैंने माना कि सारे चैप्टर्स मैंने नहीं बनाए बट कुछ कुछ चैप्टर बनाया एक बार प्ले तो चेक करो यार ऐसे डरा देते हो तुम मुझे फिर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहता हाँ मैंने ये बनाया कि नहीं बनाया खुद जाके चेक करता हो फिर पता चल हाँ बनाया यार लोगों ने बकेदी फैला रखा है तो यार ध्यान दे के देखना